हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू वैकेंसी बाबा। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और प्लीज़ दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। तो आगे बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस में। इसमें जो वैकेंसी आई है दोस्तों दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की, वो है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर की, ग्रुप सी की वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी 649 अप्रॉक्स है। सेकेंड पेज पर देखते हैं दोस्तों वैकेंसी डिटेल। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, अब वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया है, यहां पे देखिएगा दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट हेड कांस्टेबल AWO और TPO। यहां पे पहले अपन मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, मेल कैंडिडेट में जो ओपन वैकेंसीज है उसमें जनरल UR के लिए 134, EWS के लिए 40, OBC के लिए 93, SC के लिए 76, ST के लिए 49, ऐसे करके ओपन में 392 टोटल वैकेंसी हैं। डिपार्टमेंटल में जनरल के लिए 15, OBC के लिए 10, SC के लिए 8, ST के लिए 6, ऐसे करके डिपार्टमेंटल में 43 टोटल वैकेंसियां हैं। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे दोस्तों, ओपन में जनरल और UR कैटेगरी के लिए 67, EWS के लिए 19, OBC के लिए 45, SC के लिए 38, ST के लिए 24, टोटल 193 पोस्ट हैं। डिपार्टमेंटल में देखते हैं दोस्तों, जनरल के लिए 7 पोस्ट, EWS के लिए 2, OBC के लिए 5, SC के लिए 4, ST के लिए 3, ऐसे टोटल 21 पोस्ट हैं। इन सब का टोटल 649 है, तो टोटल 649 पोस्ट हैं। यहाँ पे दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल देख लेते हैं, यह है 25,500 to 81,100। इसके लिए और डिस्क्रिप्शन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज इंडिकेटिव एंड मे अंडरगो चेंज एनी टाइम बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो ये इंडिकेटिव हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, द नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये इंडिकेटिव है। फाइनल रिजल्ट आने से पहले एनी टाइम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अंडर को चेंज एनी टाइम बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये चेंज भी हो सकती हैं। इसलिए मैंने जो फर्स्ट पेज पे दिया था कि 649 अप्रॉक्स हैं, वो इसी कारण से दिया था। यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं दोस्तों, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस, द पर्सनल्स ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के पर्सनल्स हैं वो एलिजिबल नहीं है एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। थर्ड पेज पे देखते हैं दोस्तों, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन। एज लिमिट एज ऑन 01/07/2019, एज लिमिट है 18 मिनिमम और मैक्सिमम है 27 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन इज अप्लीकेबल एज पर रूल, जो भी आयु में जो छूट मिलती है वो एज पर रूल है, जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों, 10+2 सीनियर सेकेंडरी, पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, 10+2 होना चाहिए कैंडिडेट को, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और या
एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये दोनों में से। फोर्थ पेज पे देखते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है ये www.delhipolice.nic.in। यहाँ पे भी आप जाके वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक है दोस्तों, इस लिंक से आपको डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे, जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लॉगिन लिंक देख लेते हैं दोस्तों, ये लॉगिन लिंक है, जिन दोस्तों ने इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो इस पेज पे जाके अपना आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लिंक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस लिंक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अबाउट 10 पेजेस का नोटिफिकेशन है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और हर चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपसे फॉर्म फिलिंग के टाइम कोई मिस्टेक ना हो पाए। और दोस्तों इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप वैकेंसी बाबा के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा वैकेंसी बाबा के नाम से, फेसबुक पे भी दोस्तों एक पेज बना हुआ वैकेंसी बाबा के नाम से, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ पेज पे देखते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फीस और इम्पोर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फीस है दोस्तों 100 रुपीज़, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 100 रुपीज़ है फॉर ऑल वुमेन कैंडिडेट्स एससी एसटी एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी। इस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, नील है, कोई भी फीस नहीं है, ज़ीरो फीस है। और पेमेंट मोड देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप तुरंत फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको पे कर सकते हैं और ऑफलाइन में आपको बैंक से चालान बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको अपलोड करके इसकी फीस भर सकते हैं। डेट्स देखते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस 28/12/2019, ये वैकेंसी के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस है 27/1/2020 27/01/2020, इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इससे पहले ये फॉर्म भरिएगा दोस्तों, लास्ट डेट के लिए कभी मत रुकिए। सर्वर इश्यूज रहते हैं, काफ़ी इश्यूज रहते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आप लास्ट डेट में फॉर्म फिलअप ना कर पाएं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस थ्रू SBI चालान, जो मैंने आपको जैसे कि यहाँ पे बताया दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन फीस है पेमेंट मोड में, ऑफलाइन जो मोड है वो SBI के थ्रू आपको चालान बनाना पड़ेगा विद इन द वर्किंग आवर ऑफ बैंक। बैंक के वर्किंग आवर के अंदर आपको जिस दिन बैंक चालू रहते हैं उस डेट को आपको ये चालान बनवाना पड़ेगा, उसकी लास्ट डेट है 28/1/2020। तो दोस्तों इस वैकेंसी को फिलअप करिएगा, डेली पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को वैकेंसीज के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और जो मेरे नए दोस्त हैं इस चैनल को देख रहे हैं उस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।